हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी नेचुरल कोसी। आज मैं आप लोग के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी डीआईवाई जिससे कि आपके बालों में काफ़ी अच्छा सा कलर होगा, नेचुरल कलर होगा आपके बालों में और काफ़ी अच्छा सा आपके बालों में शाइनिंग एंड स्मूथनिंग आएगी। आपके बालों में काफ़ी अच्छा सा बारगंडी कलर भी होगा। अगर आप रेड करना चाहते हो तो रेड भी कलर आपके बालों में आएगा, मैरून कलर भी आएगा आपके बालों में। जिनके बालों में वाइट हेयर की प्रॉब्लम है उनके बालों में वाइट हेयर की प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी, आपके बाल काफ़ी अच्छे ब्लैक हो जाएंगे। कोई भी डाई लगाने का ज़रूरत नहीं होगा आपको। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और आपके किचन के चीज़ों से बना हुआ है, तो आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए कि आपके बाल कितने ज़्यादा शाइनिंग एंड स्मूथ होंगे। जो भी आपके बाल झड़ते उड़ते हैं वो बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। आपके जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी रिमूव हो जाएगी, आपके सारे बालों से प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। सो गाइस, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिया है यहाँ पर कॉफ़ी। कॉफ़ी आपके बालों को काफ़ी अच्छा सा कलर प्रोवाइड करता है और आपके बालों में काफ़ी अच्छा सा शाइनिंग एंड स्मूथनिंग भी देता है। फिर उसके बाद से हमने लिया है मेथी। मेथी दाना आपके बालों का हेयर ग्रोथ फास्ट करता है, आपके बालों को स्ट्रेट करता है, स्मूथ करता है, आपके बालों को काफ़ी अच्छे से ग्रोथ भी करता है, दो मुँहे बालों की प्रॉब्लम को भी ये दूर करता है। फिर उसके बाद हमने लिया है यहाँ पर सरसों। सर्दी का टाइम है तो आपके बालों में थोड़ा सा ड्राइनेस आ जाता है और आपके बालों में मॉइस्चर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो सरसों से आपके बालों में मॉइस्चर भी मिलेगा, वाइट हेयर की जो प्रॉब्लम रहेगी वो भी दूर होगा और आपके बालों में मजबूती भी आएगी और घनापन भी आएगा। फिर उसके बाद से हमने लिया है लौंग के दाने। लौंग के दाने जो होते हैं ये आपके बालों में कलर करने के लिए तो बेनिफिट होता ही होता है, आपके बालों का हेयर ग्रोथ करने के लिए भी होता है और आपके बालों का काफ़ी अच्छा सा स्मूथनिंग भी करने के लिए होता है। आपको लौंग जो होता है वो फूल के साथ में ही आपको लेना होता है, ऐसा नहीं कि आप केवल उसको जो लकड़ी है वो ले लीजिए, ऐसा मत कीजिएगा। फूल के साथ लगी हुई लौंग आपको लेनी है। फिर उसके पास आप कॉफ़ी और जो हमने चीज़ें ली हैं सरसों वगैरह वो सारी चीज़ें आप एक कटोरे में ले लीजिए और आपको एक से डेढ़ गिलास आप क्वान्टिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं पानी को डाल दीजिए। पानी को डालने के बाद से आप गैस पे रख दीजिए, गैस का फ्लेम जो है वो स्लो कर दीजिएगा क्योंकि धीरे धीरे उसमें उबाल आने दीजिएगा। जिनके बालों में वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आयरन के बर्तन का यूज़ करें। जब भी आप आयरन का बर्तन का यूज़ करते हो तो आपके बालों में आयरन की जो भरपूर मात्रा में आयरन नहीं मिल पाता है तो वो आपको अच्छे से मिल जाएगा और आपके बालों का हेयर केयर भी काफ़ी अच्छे से हो जाएगा, जिससे कि आपके जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे आपके बालों से रिमूव हो जाएगी। ये काफ़ी अच्छा सा डीआईवाई है, आप घर के किचन की चीज़ों से कर सकते हो, कोई भी साइड इफ़ेक्ट वगैरह नहीं होगा इसको। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट या फिर 8-9 मिनट तक आप उबालिए, क्योंकि ज़्यादा क्वान्टिटी है तो आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। उबालने के बाद से आप इसको गरम छान लीजिए, ज़्यादा ठंडा मत कीजिएगा, गरम ही रहेगा तो इसका अच्छा सा बेनिफिट हो सकता है आपको। छानने के बाद से जो हमारा यहाँ पे बचा है मेथी, सरसों, लौंग, कॉफ़ी का, इसको आपको फेंकना नहीं है, इसको आप अच्छे से इसको पीस लीजिए, इसमें थोड़ा सा दही डाल दीजिए, पीस के इसको अपने बालों में एक पैक के तरीके से लगा लीजिए। इससे आपके बालों में बहुत ही अच्छा सा शाइनिंग आएगा और आपके बालों में जो झड़ने की प्रॉब्लम है ना वो भी जल्दी से रुक जाएगी। तो अगर आप चाहते हो तो आप लगा सकते हो, सर्दी का टाइम है तो आप स्किप भी कर सकते हो। जो आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं ना, आपके बालों में बहुत ज़्यादा हेयर नहीं, बाल नहीं है, केवल आपके हेड दिख रहे हैं, आपके बालों का हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी आपके बालों से दूर होगा अगर आप इसके साथ में उसको पीस के अपने बालों में अप्लाई करते हो। तो फर्स्ट हमारा था जो वो है, आप इसको डायरेक्टली अपने बालों में ऐसे अप्लाई कर सकते हो बिना कुछ मिक्स किए। सेकेंड जो है उसमें आपको क्या करना है, आपको लेना है कस्टर ऑयल। कस्टर ऑयल आपके बालों का हेयर ग्रोथ करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। फिर उसके बाद से लेना आपको ग्लिसरीन। ग्लिसरीन आपके बालों का हेयर ग्रोथ भी करता है, आपके बालों को स्ट्रेट भी करता है, आपके बालों में नए बाल भी उगाते हैं, आपके बालों को शाइनिंग एंड स्मूथिंग बहुत अच्छा सा चमक भी देता है। तो यहाँ पे हमने कस्टर ऑयल इसके लिए लिया है ताकि हमारे बालों में, सर्दी का टाइम है तो हमारे बाल जो हैं थोड़े
बहुत ज़्यादा रफ ड्राई रहते हैं। इसको लगाने के बाद से थोड़ा भारीपन तो लगता है, बट जब भी हम अपने बालों को धोते हैं ना, उसके बाद देखते हैं कि हमारे बाल कितने ज़्यादा शाइनिंग एंड स्मूथ हो गए हैं और काफ़ी ज़्यादा सिल्की भी हो जाते हैं। तो आप फर्स्ट टाइम लगा के देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा से रिजल्ट मिलेगा, आप हमेशा लगाने लगोगे इसको। फिर थर्ड जो है आपको उसको क्या करना है, आप इसको अच्छे से जो हमने पानी को बना के रखा है उस पानी को ले लीजिए, फिर उसके बाद से उसमें शैम्पू ऐड कीजिए 1 से 1.5 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स करके एक डिब्बे में भर के रख लीजिए। जब भी आप शैम्पू करने जा रहे हो आप उससे शैम्पू कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको तीनों ही बनाना है, जो आपको अच्छा लगे आप उसको बना सकते हो। आप नाइट में लगा लो, सुबह में आप अपने बालों को धो लो शैम्पू जो बनाया है उस शैम्पू से, और जो ऑयल आपने बनाया है चाहो तो उस ऑयल को अपने बालों में नाइट में लगाओ। नहीं तो अगर अच्छा नहीं लगता आपको ऑयलिंग करना, आप 2 घंटे पहले भी लगा सकते हो सादे पानी को या फिर ऑयल वाला पानी को, उससे आपके बालों में काफ़ी अच्छा सा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा। सो चलते हैं हम हमारे अगले रेमेडी की तरफ। तो हमें मेहंदी कैसे बनाना है, मेहंदी हम 2 तरीके से या फिर 3 तरीके से आपको बताएंगे, जिनको जैसा कलर चाहिए उनके लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है हीना मेहंदी, ये आपके बालों में काफ़ी अच्छा सा वर्क करता है। इसमें आंवला और सिका का ही पहले से अवेलेबल है, कंडीशनिंग भी है। ये आपके बालों को झड़ने से रोकता है, सफ़ेद होने से रोकता है, आपके बालों में डैंड्रफ नहीं आने देता, चमक और स्मूथनिंग बनाए रखता है। और आपको ये सब चीज़ें पिन से जो देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, आपको कितना लेना है, कैसे मिक्स करना है, क्या क्या करना है, कितने टाइम तक रखना है। तो सर्दी का टाइम है तो हम आपको बताएंगे कि आपके बाल ड्राई नहीं होंगे, कैसे नहीं ड्राई होंगे ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो वीडियो में बने रहें। जो लोग फर्स्ट टाइम आए मेरे चैनल पे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे प्रेस कर ले, जिससे कि मैं कोई भी ऐसे वीडियोज डालूँ तो आप देख सकें। बालों से रिलेटेड मैं वीडियो डालती हूँ तो आप लोग कमेंट करके भी बोल सकते हो, मैं ऐसे आप लोगों के लिए मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो यहाँ पर हमने लिया है मेहंदी, हमने हीना मेहंदी लिया है, आप कोई भी मेहंदी ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। उसके बाद से लिया है हमने हिबिस्कस का पाउडर। हिबिस्कस का जो पाउडर होता है ये आपके बालों को काफ़ी अच्छा सा कलर प्रोवाइड करता है और आपके बालों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने देता है। जो भी केमिकल वाली चीज़ें होती हैं ये उनको कम कर देता है, केमिकल फ्री बनाता है। फिर उसके बाद से हमने लिया है भृंगराज पाउडर। भृंगराज जो पाउडर होता है ये बाल उगाने के लिए वरदान में माना जाता है, क्योंकि ये बाल उगाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है और बालों का हेयर ग्रोथ करने के लिए। तो भृंगराज बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे आप भृंगराज का ले लीजिए। आपको दोनों की क्वांटिटी सेम रखनी है। फिर उसके बाद से लेना है आपको इंडिगो पाउडर। इंडिगो पाउडर आप सोच रहे होगे कि आप केवल बालों के काला करने के लिए लेते हो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। आप ज़्यादा डार्क कलर चाहते हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिया है ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 चम्मच, छोटी चम्मच से 1.5 चम्मच लिया है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको बालों में थोड़ा डिफरेंट कलर भी मिल सकता है। तो 1.5 चम्मच लेंगे तो इससे आपके बालों में काफ़ी अच्छा सा कलर देखने के लिए मिलेगा, डार्क शेड मिलेगा, डार्क बारगंडी कलर आएगा। तो आप जो पानी बना के तैयार किए थे उस पानी को आप अच्छे से इसको भी मिक्स कर लीजिए। जब भी आप इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करोगे फिर उसके बाद देखोगे कि आपकी मेहंदी जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखेगी और कलर बहुत ज़्यादा प्यारा आएगा, जैसा कि मैंने हाथ पे लगा के दिखाया था फर्स्ट शुरू में ही। तो यहाँ पे आपको बारगंडी कलर चाहिए, अगर डार्क बारगंडी कलर चाहिए तो यहाँ पे आपको थोड़ा चुकंदर का जूस भी डालना होगा। 1 चुकंदर ले लीजिए, उसको अच्छे से कद्दूकस कर लीजिए या फिर पीस लीजिए, उसका अच्छे से जूस निकाल लीजिए बिना पानी डाले, उसको इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर जो हमने आपने पानी तैयार किया है उसको लीजिए। और यहाँ पे हमने इंडिगो पाउडर को लिया है तो आपको पानी जो है वो गर्म होना चाहिए, पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। इंडिगो पाउडर जो होता है उसको गुनगुने पानी से मिक्स करने से हमारा मेहंदी जो होता है काफ़ी अच्छे से तैयार होते हैं। तो आपको ऐसे करना है। जिनके बालों में वाइट हेयर की प्रॉब्लम है वो यहाँ पे आयरन के बर्तन का यूज़ करेंगे। आयरन के बर्तन में जिसमें आपने पानी को उबाला है उसको बिना धोए अच्छे से इसमें मेहंदी को अपने बना लीजिए। जब भी आपका मेहंदी बन जाएगा फिर उसके बाद आप ओवर नाइट के लिए इसको रख दीजिएगा। जिनको ब्राउन कलर चाहिए वो यहाँ पे मेहंदी ले लेंगे और जो हमने पानी मिक्स किया है इसमें उसको ले लेंगे। फिर उसके बाद आप एक पैकेट कॉफ़ी ले लीजिए, आपके बालों में इतना अच्छा सा ब्राउन कलर आएगा कि आप देख के हैरान रह जाओगे।
उसको 1 से 2 घंटे के लिए रख सकते हैं रेस्ट करने के लिए अगर टाइम नहीं है तो। अगर टाइम है तो आप इसको यहाँ पे आप देख सकते हो हमने इसको रख दिया था ओवरनाइट के लिए। यहाँ पे कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज हो गया है और काफ़ी ज़्यादा थिक भी हो गया है, क्योंकि मेहंदी हमें थोड़ा सा पतली कंसिस्टेंसी रखनी है, इतना कि आपका मेहंदी जो है बाद में फूलने के बाद से अच्छे से थिक हो जाएगा। तो आप इतना थिकनेस रखिएगा कि आपके बालों में कलर जो है वो अच्छे से लग जाए और ज़्यादा निकले ना इधर उधर। तो आपको अपने बालों में मेहंदी कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आप अपने बालों को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, ऑयल वगैरह मत लगाइएगा, क्योंकि ऑयल रहता है तो हमारे बालों में कलर अच्छे से नहीं जड़ता है, तो बाद में कमेंट करोगे आप लोग कि कलर अच्छे से नहीं आया। और मैं जैसा बताती हूँ आप लोग को वैसे ही करना है, नहीं तो आपके बालों में कलर नहीं आएगा तो आप लोग बोलोगे कि मेहंदी अच्छे से नहीं आता कलर। तो इसको आपको अच्छे से बालों को कॉम करना है, कॉम करने के बाद से आपको अपने बालों में उल्टे डायरेक्शन में भी लगाना है और सीधे डायरेक्शन में भी लगाना है। फिर उसके बाद से आप इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दीजिए अपने बालों में। पॉलिथीन से चाहो तो आप कवर कर सकते हो, ठंडी का टाइम है तो आपको ठंडी लगेगा, तो इसके लिए आप बिना पॉलिथीन के भी रख सकते हो। जब भी आपका सूख जाए उसके बाद से आपको सादे पानी से मेहंदी को धो लेना है। मेहंदी धोने के बाद से आपको नाइट में अच्छे से हैवी ऑयलिंग करनी है, सादे पानी से ही धोना है, शैम्पू वगैरह से नहीं। फिर रात में अच्छे से हैवी ऑयलिंग करने के बाद से आपके जो बालों का कलर है वो अच्छे से लॉक हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपको शैम्पू कर लेना। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा।